चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रामनवमी के दिन रविवार को राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापार समिति के सौजन्य से राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने बताया कि राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति द्वारा लगातार 8 वर्षों से रामनवमी और विजयदशमी को प्रत्येक वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि भंडारे की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद के रूप में थे तब उनके द्वारा भंडारे का शुभारंभ किया गया था और उन्होंने कहा था कि जो भी आप दान करते हैं उसमें अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इस भंडारे में 3 से 4 हजार लोगों को भोजन कराया जाता है। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, प्रचार मंत्री रंजीत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सूरजनाथ गुप्ता, कुंदन निगम, दुर्गेश कश्यप, राजेश निगम, रत्नेश गुप्ता, प्रभु मणिनाथ गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता, शशि भूषण सिंह, आकाश गुप्ता, रूपेश कश्यप, केशव वर्मा, आनंद त्रिपाठी, मनीष बरनवाल, रोहित गुप्ता, अंकित गुप्ता सहित कई व्यापारी बंधु उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव और प्रचार मंत्री रंजीत अग्रवाल ने कहा, इधर आ जाइए। आपका हरतम जैनतम रंजीत अग्रवाल, मैं यहाँ का प्रचार मंत्री हूँ राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का। ये हम लोग हर साल गर्मी के नवरात्र और जाड़े के नवरात्र में भंडारे का आयोजन करते हैं नवमी और दसवीं के दिन, और इस भंडारे में सभी व्यापारियों को द्वारा सहयोग लेके किया जाता है और बाकी सब कुछ ऊपर वाले की दया से बढ़िया से चलता है। कितने लोगों की व्यवस्था हो जाती है? 3 से 4 हजार लोग को हम लोग खिलाते हैं। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, मैं संयोजक हूँ यहाँ का राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का। ये हम लोग राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति की तरफ से प्रत्येक वर्ष रामनवमी और विजयदशमी के दिन यहाँ पर हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं और ये विगत 8 वर्षों से लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। कोविड काल में कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया था, ये इसको पुनः स्थापित किया गया है। और पहली बार जब इसको हम लोगों ने किया था तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उस समय हमारे सांसद हुआ करते थे, उनको हमने बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट। तो उन्होंने 2-4 लाइनों के संक्षिप्त भाषण में हमको इसका महत्व बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो भी आप दान करते हैं
उसमें अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, सारे दान और सारी दान प्रक्रियाओं में। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग हर साल इसका आयोजन अपने सभी राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के सहयोग से करते आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, हम लोग आगे भी इसको करते रहेंगे। तो रामनवमी वाले में भंडारा करते क्यों हो जाता? रामनवमी और विजयदशमी दोनों में हम लोग करते हैं भंडारे को, और करीब 2500 से 3000 आदमियों का इसमें हम लोग पूरा भोजन कराते हैं।